मालवा बर्ड लाइफ देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सारे ही छोटे वड्डे भैन भरावों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज की वीडियो तुहाडे लई बहुत ही इनफॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि अज आपां पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल सब इंस्पैक्टर हैड कॉन्सटेबल ते PSSSB दे किसी भी एग्जाम रिलेटिड जे तुसीं घर बैठ के तैयारी करनी है तो जिहड़ा सिलेबस हुण मैं तुहानूं दस्सण जा रहा इस वीडियो विच स्लाइड्स दे जरिए, उस सिलेबस नूं जे अगर तुसीं घर बैठ के चंगी तरह चैप्टर वाइज कवर करदे हो जां फिर यूट्यूब दी हैल्प नाल जां फिर अपनी ऑफिशियल बुक्स जदों तुसीं बाय करते हो बाजार के विचों तो डेफिनेटली तुसी उस पेपर नू आराम ना क्रैक कर लवोंगे जे अगर दिन रात मेहनत करोगे उस सिलेबस उत्ते, क्योंकि इस सिलेबस तो बाहर कोई भी पेपर आने वाला नहीं। चाहे तुसी कॉन्सटेबल का पेपर जिहड़ा हुण होया उसनू मिला के देख लियो, चाहे सब इंस्पैक्टर का, क्योंकि यह सिलेबस जिहड़ा हैगा ऑफिशियल है। इस सिलेबस के जरिए तुसी पंजाब के एग्जाम्स ही नहीं तुसी इंडियन लैवल के एग्जाम भी कवर कर सकते हो, ठीक है जी। 4 या 6 महीने विच तुसी जे अगर सिलेबस नू चैप्टर वाइज कवर करते हो तो डेफिनेटली तुसी 2 महीने अगर जो टेस्ट सीरीज किसी वधिया इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तुसी अपना कोई भी मनचाही जॉब का पेपर क्रैक कर सकते हो। तो होर भी एक ही पेपर ही नहीं तुसी 5-6 पेपर जिहड़े तुसी पढ़ोगे वह भी नाल ही क्रैक हो जाएंगे, क्योंकि यह सिलेबस जिहड़ा हैगा बहुत ही फायदेमंद है, कदे भी चेंज होने वाला नहीं तो हमेशा यही रहना उन्होंने जिहड़े भी आपां भर्तियां नूं भरांगे। तो दूसरी गल दोस्तों भी आह वाली वीडियो बहुत मेहनती ना बनी है तो मेहनत दी तुसी मुल लाइक करके वीडियो का मोड़ना है, ठीक है जी। तो सबसक्राइब करना साडे चैनल नूं, बैल आइकन प्रेस करना ना भुलियो, तो कमेंट सैक्शन में अपने सुझाव जो दियो। सब तो पहला आप जनरल सैक्शन जिहड़ा कि जनरल नॉलेज बारे दसदे हां दोस्तों, इस सिलेबस के सब तो पहले इंडियन पॉलिटी नूं तुसी मुख रखना है, क्योंकि अजक इंडियन पॉलिटी तो मॉडर्न हिस्ट्री ये 2 सबजैक्ट्स के काफ़ी पेपर वेखन नूं मिलता है। तो करंट अफेयरस तो चलो डेली के नवे नवे होंगे है तो वो जिहड़े अनसर्टेन होंगे जिन्हों की आप नहीं मान सकते भी ये आ सकता है कि ये नहीं आ सकता। सो जिहड़े ऑफिशियल सबजैक्ट्स है जिवें इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री हो गया, पंजाब ते इंडिया का थोड़ा जिहा कल्चर हो गया, नाच गाने जिन्हों आप कह दें या फिर उन्होंने रीति रिवाज, ठीक है जी। साइंस टैक्नोलॉजी मतलब साइंस रिलेटिड कोई भी चीज़ा, टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी जिहड़ी नवीं टेक्नोलॉजी आ रही है जिवें चंद्रयान भेजा उस तरह दी चीज़ा, ठीक है जी। इंडियन इकोनॉमी चो बहुत घट लैवल का पेपर आता है, कहिंदा आपां 2 या 3 क्वेश्चन वेखन नूं मिलते हैं। जियोग्राफी दे भी अजकल 2-3 वेखन नूं मिलते हैं, पर इंडियन ते पंजाब दे अकॉर्डिंग आपां करनी है, ठीक है जी। बाकी इनवायरमेंट जिहड़ा हैगा इनवायरमेंट का थोड़ा बहुत तुहानूं पता होवे किहड़ियां लेयर्स वगैरह है, किहड़ी लेयर्स ते की चीज़ां हैगियां, यह सब चीज़ां नॉर्मल है जनरल। बाकी अवेयरनैस जिहड़े डिवर्सिटी एथिक्स वेनरेबल सैक्शन है इन्हां विचों अजकल पेपर बहुत घट आने लग गया, बट मेरे अकॉर्डिंग तुसी पॉलिटी हिस्ट्री ते पंजाब दी जिहड़ी GK है वह जरूर करके जाओ जिहड़ा भी तुसी पेपर क्रैक करना है, क्योंकि इन्हां विचों ही ज़्यादा क्वेश्चन वेखण नूं मिलते हैं, ठीक है जी। तो जिहड़ी साइंस वगैरह हैगे उनदे विचों भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। सो अपने लिए तो हरेक चीज़ इंपोर्टेंट है, तुहाडे कोल 8 महीने है तुसी इस कवर करो सिलेबस नूं GK दे नूं। बाकी जिहड़ियां ऑफिशियल बुक्स है वह मैं तुहानूं दसियां हुई हैं, तुसी मेरे डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक पे उस ते जाके ऑफिशियल बुक्स देख सकते हो जे अगर तुसी किसी भी सबजैक्ट नूं लैके लैनी है, ठीक है जी। तो दूसरी गल है दोस्तों करंट अफेयर तो डेली तौर पर तुसी उस चैनल नूं यूज़ करो जिस चैनल पर तुहानूं डेली करंट अफेयर सुबह के टाइम दिखाते हैं तो जिहड़े कि तुहाडे नूं तुहानूं समझ आते हैं, ठीक है जी। क्योंकि करंट अफेयर का पता नहीं कितों किहड़ी चीज़ पा देने, ठीक है जी, जां फिर तुसी इकट्ठे महीने एक दो महीने इकट्ठे कर लिया करो भी बुक्स किहड़ियां नवीं आईयां, किहड़ियां चीज़ां नवीं वेखण नूं मिलियां नैशनल ते इंटरनैशनल तौर ते, यह चीज़ा सारियां तुहाडियां GK दे विच कवर कर सकदे हो, ठीक है जी। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लै लियो। अगली गल तुहाडा मैथामैटिक्स की जिन्हों आप क्वानटीटेटिव एप्टीट्यूड ते न्यूमेरिकल स्किल्स, काफ़ी कैंडीडेट्स चैप्टर करन बैठ जाते हैं, चैप्टर ना करया करो तुसी चैप्टर नूं समझया करो चैप्टर दीआं किहड़ियां किहड़ियां टाइप्स आंदियां, क्योंकि इस दे विच हुण आह जिहड़े मेन चैप्टर है जिस दे विचों पेपर पाया जाता है कॉन्सटेबल दे विच भी यही जिहड़े चैप्टरां दे विचों चुनिया गया सीगा सिलेबस, जिवें कि टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, मैनसुरेशन स्पीड, टाइम जिहड़ा भी हैगा, रिलेशन नंबर रिलेशन सिंपलीफिक या फिर जिहड़े भी एवरेज वाले चैप्टर है, ठीक है जी। तुहानू पता ही है हरेक चैप्टर दे विच 12 या 13 टाइप्स हुंदियां ते उन्हां टाइप्स नूं तुसीं कवर करो, क्योंकि पेपर दे विच तुहाडा चैप्टर वाइज मतलब कि कहिंदा आपां पुछिया नहीं जांदा पेपर, जिवें कि हुण कॉन्सटेबल दे विच उन्होंने टाइप्स पाईआं होईआं सी हरेक तरह दीआं, मतलब कहिंदा आपां टाइम एंड डिस्टेंस पाया सी, एक दे विच 13 क्वेश्चन पाए सी उन्होंने, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पाईआं सी, ना कि उन्होंने कोई चैप्टर पाया सी वी इस चैप्टर दीआं 2 क्वेश्चन इक्को जिहे पा दित्ते, उन्होंने टाइप्स पा के दस्सिया सी वी इही टाइप किवें करोगे तुसीं, इह टाइप किवें करोगे, तुहाडी मेंटल चेक कर ले सी एबिलिटी, ठीक है जी। सो इस करके तुसी अपनी इस चीज़ नूं ध्यान रखियो, ठीक है। आह जिहड़े चैप्टर है सब नालों इंपोर्टेंट चैप्टर ने जिहड़े मैं तुहानूं सामने दसे, इसका स्क्रीनशॉट लैके हुणे तो तैयारियां शुरू कर दवो, इसका बेस इन्ना क्लीयर कर लवो तां कि तुहानूं कोई प्रॉब्लम ना आवे। दोस्तों जिहड़े इह चैप्टर है ना असेंशियल है तुहाडे लई, इस करके क्योंकि इन्हां दे जरिए तुसी जिहड़ी हाईएस्ट मैरिट लै सकदे हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे मैथ दे विच वीक हुंदे ने, बाकी सबजैक्ट्स दे विच उहनां दा वधिया दिमाग हुंदा। सो मैथ इक इहो जिहा सबजैक्ट तुहाडे लई होवेगा जिस दे तुसी प्लस पॉइंट मान
बन के चलोगे आपके पेपर में जिस दे जरिए अपनी हाईएसट मैरिट लैके आओगे तो अपने वो तो वह कहने का भाव सिलैक्शन के अपने चांसिज बनने। ठीक है जी, मैथ सबजैक्ट में तुम 8 महीने जी अगर लगातार करो तो मैं कहना तुम माहिर एक ग्रंथी बन सकते हो। कहने का भाव तुम्हें मैथ के कोई भी हरा नहीं सकता। तो पेपर में तुम मैं श्योरिटी दिना पहला मैथ ही करोगे यही जी अगर तुम हूँ तो शुरू कर दौ। ठीक है जी, इन्होंने चैप्टरस में चैप्टर ज़्यादा औखे नहीं, एक बार तुम टाइप्स समझनी है। टाइप्स का मेन होंगे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स जोड़े है टाइप्स कवर कराएंगे तुम उन्होंने पैक्स लै सकते हो जे अगर तुम्हें पॉसीबल हैगा। तो बाकी तुम सोचना है कि इंस्टीट्यूट बेस्ट है। अगली गल है दोस्तों लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग डाटा इंटरप्रटेशन। दोस्तों इस दो चीज़ों की एक रीजनिंग होंगी है एक डाटा इंटरप्रटेशन। रीजनिंग तुम्हें पता ही है तुम्हारे जे चैप्टर दसे डाटा इंटरप्रटेशन एक चार्ट आता बन के उस परसेंटेज करनी रेशो करनी होंगी एवरेज करनी होंगी है वो अलग चीज़ होंगी है तुम्हें पता ही होगा पेपर के। ठीक है, सब तो पहला रीजनिंग के आह जो मेन चैप्टर ने सब नालों ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। ठीक है जी, लीगल तो इलीगल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग सॉरी तो कोडिंग डीकोडिंग। ठीक है जी, जिन्हें भी आ चैप्टर सारे ने डायरेक्शन डिस्टेंस सारे ये चैप्टर तुम कर लियो। सिकुएंसिंग जिमें ऐत की बहुत पूछा जाता है पाया कॉन्सटेबल के सब इंस्पैक्टर ये चैप्टर तुम्हें दसे है इन्हों के स्क्रीनशॉट लै लवो। तुम सिर्फ हफ्ते के एक चैप्टर कवर करना है उसकी हरेक टाइप कवर करनी है भी किमें किमें किड़े किड़े सम आ सकते हैं तो रिविजन वो तो वह करनी है। तुम जो अज तो भी एक एक चैप्टर भी कवर कर दो एक हफ्ता लाने एक चैप्टर के उत्ते कई चैप्टर तो है दो दिन ही कवर हो जाते कई चैप्टर के हफ्ता लगता है। जो तुम हूँ तो कवर करोगे मैं डेफिनेटली कहना तो दिसंबर तक तो सारा सिलेबस कवर होगा रीजनिंग का। तो जनवरी तो लैके जुलाई तक तुम रिविजन ही रिविजन करनी है जेडे जेडे तुम्हें क्वेश्चन मिलते हैं तो तुम इस भी माहिर हो जाओगे। तुम आप ला लो तो जेकर हूँ पेपर नहीं क्रैक होया अगली बार मैं डेफिनेटली कहना जो तुम इस सिलेबस करोगे तो पेपर इदा क्रैक होगा जिमें कि पानी रुड़िया जाता है तो ऐ क्वेश्चन हल हो। ठीक है जी, दूसरी गल दोस्तों जिहड़े ये चैप्टर्स होंगे है ये यूट्यूब उत्ते लाइव पए हुए है बहुत सारे मतलब कि लोगों ने यह पढ़ाए हुए है। कई हिंदी टीचर है कई पंजाबी टीचर है कोई मतलब कहता इंग्लिश पढ़ाता बट जिहड़ी तुहानू सही समझ दसदा है भी हाँ भी ये टाइप्स कवर हो गई क्योंकि एक यूट्यूबर के सारे भरोसे ना बो। जे अगर मैं कोशिश करूँगा हूँ नवंबर के क्लासेस शुरू करनी है। ठीक है जी, सब तो पहला तो मैं जीके दियाँ शुरू करूँगा फिर उदू बाद रीजनिंग करांगे बट सब तो पहला अपने थोड़े थोड़े कवर कर लवो। मैं पूरी डैप्थ के टाइप्स समझाऊँगा जिमें कि बाकी यूट्यूबर सिर्फ व्यूज़ लैन लई सिर्फ 2-3 टाइप्स समझाते आप पूरी डैप्थ के एक चैप्टर के डूंगा में जाया करेंगे तो सारा प्रोपर दस्या करेंगे। ठीक है जी, तो इस हरेक हूँ कर सकते हो। अगली गल है दोस्तों कंप्यूटर के कंप्यूटर के दोस्तों आ बेसिक चैप्टरस ने बाकी अरिहंत की कंप्यूटर की बुक आती है तो होर भी कई यूट्यूब चैनल ने जोड़े बहुत वधिया तरीके पढ़ाते हैं। सब तो पहला तो यही चैप्टरस कवर होने चाहिए ने जिड़े कि तुहाडे सामने ने। तुसी 8th, 9th, 10th की भी कंप्यूटर की बुक चकोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सब तो ज़्यादा तो तुम्हें कीज़ याद होनिया चाहिए जी कंट्रोल शिफ्ट वगैरह ये चीज़ा नपन ते की हुंदा है हरेक वर्ल्ड पैड एक्सल पावरपॉइंट दियाँ इंटरनेट बारे जानकारी। ठीक है जी, बाकी वो तो पता है लैन मैन वैन योजे जे है एक नैटवर्क होंगे उन्होंने बारे जानकारी ये बेसिक चीज़ा तुम्हें पता होगी डेफिनेटली जे है कंप्यूटर का भी क्रैक कर जाओगे। 5 क्वेश्चन होंगे कॉन्सटेबल से 30 क्वेश्चन होंगे सब इंस्पैक्टर से। हूँ तुम आप ला लो डाटा लिटरेसी तो कंप्यूटर अवेयरनैस बहुत जरूरी है तो फंडामेंटल्स कंप्यूटर के आही होंगे इनपुट आउटपुट की चीज़ है ओपरेटिंग सिस्टम की चीज़ है। ठीक है जी, ये चीज़ा तुम हूँ तो कवर कर लवोंगे तो बेहतर रहेगा नहीं तो बाद दे विच समझ बिल्कुल नहीं आता। बहुते स्टूडेंट्स योजे ने जिन्होंने कंप्यूटर का लल्ला खखा भी नहीं आता उन्होंने यही टेंशन हुई पी असी कंप्यूटर बेस्ड पेपर किमें देवे असी फ्रैशर हाँ अगले साल पेपर भरना है। दोस्तों सारिया वीडियोज़ अपने चैनल पर पईं हुई हैं भी कंप्यूटर बेस्ड पेपर किमें क्रैक करना है आप किमें देना पेपर तुम चैक करो तो बाकी चीज़ा है कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत लो इंस्टीट्यूट के लग जाओ एक अद्धा महीना लगोंगे कंप्यूटर के ना हाथ खुल जूगा तुम्हें पता लग जाऊगा भी कंप्यूटर के चलाते किमें है। ठीक है, कीबोर्ड होंगे किमें माउस यूज करी है क्योंकि इदा होंगे कई बच्चे डरते होंगे इन्होंने चीज़ों तो आप डर क्डना है एक महीना ही ला लो तुम हूँ आयल्स सेंटर के एक महीना ला लो तो सारी इंग्लिश आन लग जाऊगी जो कंप्यूटर सेंटर के एक महीना ला लग जाओ तो चुके कंप्यूटर आन लग जाऊगा। इदा ही बंद मतलब कहता बस सीखने मिलता नवी नवी चीज़ा घर बैठ के कुछ नहीं होंगे घर बैठ के तुम वो वह यूट्यूब से देख के हौसला जरूर लै सकते हो मैं आ गया बट जो तुम लोगों के विचर के बो गलों बातें करते हो सीखते हो तो ज़्यादा देखने को मिलता तुम फिर ज़्यादा समझोगे भी हाँ चीज़ा ये हूँ ए यूज़ करनी है ये मुंडे ए पढ़ते कुड़ियाँ ए पढ़ती हैं सो इस करके नवी चीज़ा तो ही सीखोगे जो तुम घरों बाहर निकलोगे। ठीक है जी, हूँ अगली गल करते हैं दोस्तों पंजाबी लैंग्वेज की। पंजाबी लैंगुएज के जे अगर तुम पंजाब तो पंजाबी नहीं आती बोलनी लिखनी तो बहुत ही लानत वाली गल है पहला तो। दूसरी गल जे आ चैप्टर दिते इन्हों पढ़न तो पहला अखबार पढ़ना शुरू करो पंजाबी का क्योंकि आप जो लिखना भी है उत्थे आप रिपोर्टा वगैरह पंजाब पुलिस तो पंजाबी लिखनी है बाकी जी स्किल्स वगैरह तुम्हें पंजाबी के जेडे पंजाबी मुहावरे बना के देखो
ਦੇਖੋ, ਈਡੀਅਮਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕੋਤਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਨੋਨੀਅਮ ਅਟੋਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਚਨ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਸੈਨੋਨੀਅਮ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਰਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਵਰ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੱਗੂ। ਬਾਕੀ ਟੈਂਸਿਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਓ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100-150 ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਪੁੱਛਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਟਸਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 15,000 ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ 20,000 ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੈ ਹਿੰਦ।